What's going on guys? तो इस वीडियो में मैं पूरा लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप इस तरीके का प्रोडक्ट इंसर्ट रेडी कर सकते हैं। तो ये इस एनवेलप में आता है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट दिस वे मेरे कस्टमर के पास जाता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है मेरे कस्टमर्स का। और ये मैं मेनी चैट में उन लोगों को सीक्वेंस में एनरोल कराता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंसर्ट के इंसर्ट से। और इस पे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि रजिस्टर फॉर अ 5 ईयर्स मनी बैक गारंटी, और यहाँ पे बोल रहे रजिस्टर विद इन 7 डेज आफ्टर रिसीविंग योर प्रोडक्ट। तो ये एग्जैक्ट कैसे बनाया था मैं पूरा अभी लाइव जाके कैनवा में एक क्रिएट करूँगा। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर में जाके देखते हैं कि क्या कैसे एग्जैक्टली आप एक प्रोडक्ट इंसर्ट रेडी करेंगे इस तरीके का। और ये जो है ये QR कोड है, और ये QR कोड कैसे आप यहाँ पे बैठाएंगे और एक QR कोड को स्कैन करके कैसे वो मेनी चैट सीक्वेंस में जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में। तो चलिए अभी मेरे कंप्यूटर में जाके एग्जैक्टली मैं लाइव ये आपका पूरा डिज़ाइन रेडी करता हूँ और ताकि आप लोग भी अपने लिए कर सके। तो चलिए मैं शो करता हूँ कैसे आप प्रोडक्ट इंसर्ट क्रिएट करेंगे। तो ये canva.com आप लोग को ओपन करना होगा और यहाँ पे जाके आपको एक क्रिएट डिजाइन करना होगा, कस्टम डायमेंशन क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं जो डायमेंशन यूज करता हूँ मेरा प्रोडक्ट इंसर्ट के लिए, जो मैंने अभी आप लोगों को शो किया, वो है आपका 15.5 × आपका 10.5। ये डायमेंशन मेरा मेनली हर एक प्रोडक्ट में चला जाता है। उसके बाद क्रिएट अ डिजाइन करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा टेम्पलेट रेडी हो जाएगा उस साइज का, उस साइज का पूरा टेम्पलेट यहाँ पे रेडी हो जाएगा जिस साइज का कार्ड अभी मैंने आप लोगों को शो किया है। तो ये एग्जांपल है उसका, तो इस एग्जांपल को देख के हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। तो क्या करता हूँ मैं ऐड अ पेज कर देता हूँ ताकि हम लोग देख के इसको बना सके। तो चलिए अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये ऐड करता हूँ, उसके बाद ये वाला टेक्स्ट ऐड करेंगे।
So our main card is created. This will be the front side of the card, and the back side I generally have the brand logo and the my support emails there in the back side. So that is just simple in white background. Just print your logo there. Let's put your logo there and the your support emails there. Now we need to actually create the ManyChat sequence. So we do here is, this is ManyChat. You have to open ManyChat and then add a page here. Add a Facebook page. You have to create a Facebook page. Then you can add that. Then you have to go to growth tools and you have to actually create a growth tool. Now we'll go new growth tool and then we will do this QR code. And this is a thing here. So it exactly tells when you scan the QR code, tab ye aapka ye SMS aega. Lekin hum log chahte nahi ye wala SMS aaye, to hum log ek naya SMS yahan pe provide karenge. वो मैं मेरे पास एक क्रिएट किया हूँ, यहाँ पे रिप्लेस करूंगा. और या तो आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे एडिट करेंगे, ये इस तरीके से आएगा. देखिए ये फर्स्ट आपका ऐसे क्रिएट होता है. आप यहाँ पे बेसिक बिल्डर में जाकर क्रिएट कीजिएगा. बेसिक बिल्डर में ये यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट करना होता है, कुछ भी पोस्ट परचेस अपडेट की दीजिएगा. और ये वाला मैसेज आता है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं खुद क्रिएट करूंगा. तो अभी यहाँ पे जब जैसे ही आएगा तो एक टेक्स्ट जाएगा, ये जो आप लिखेंगे वो वहाँ पे चला जाएगा उन लोगों को. तो मेरे पास इसे क्रिएट किया हुआ है, मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को जो मैं जनरली यूज करता हूँ. यहाँ पे जाकर रिप्लेस करूंगा और जो क्रिएटेड है गारंटी कार्ड ये मैं शो करता हूँ. ये कैसा है मैं दिखाता हूँ. तो ये ऐसा आता है, जैसे देखिए जैसे QR कोड स्कैन किया उसके बाद ये मैसेज उन लोगों का पहुंच जाता है. ये आप वहाँ पे ये जाके यहाँ पे अपने क्रिएट किया एड ये टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मैसेज लिखने का. वो मैसेज लिख के उसके बाद यहाँ पे ऐड अ बटन करेंगे और ये बटन में यहाँ पे आई एम अ ह्यूमन लिखा हुआ है. और बटन को क्लिक करते क्या होगा, फिर से यहाँ पे सेंड मैसेज जाएगा. बटन जैसे क्लिक करें ये सेंड मैसेज जाएगा. उसके बाद सेंड मैसेज क्लिक करके ये वाला मैसेज हम मैंने क्रिएट किया, ये वाला. तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ. तो जैसे ये वाला मैसेज आई एम अ ह्यूमन क्लिक हुआ तो उसके बाद ही देखिए आई एम अ ह्यूमन जैसे क्लिक हुआ उसके बाद ये वाला आ गया. और यहाँ पे देखिए पहले टाइपिंग शो होता है कुछ, और उसके बाद क्योंकि ये नेचुरल है ये शो होना चाहिए, उसके बाद ये मैसेज जाता है यहाँ पे थैंक्स ये ग्लैड टू नो यू आर ह्यूमन ये वाला. उसके बाद जैसे कंफर्म करता है, कंफर्म करने के बाद यहाँ से ये वाला मैसेज जाता है कंग्रेट्स यू आर नाउ रजिस्टर्ड वी नो योर प्रोडक्ट. और इसके बाद यहाँ से मेरा सीक्वेंस में रजिस्टर्ड हो जाता है एक्शन. उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस में आप ऐड कर सकते हैं चूज अ नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे आप परफॉर्म एक्शन देंगे. यहाँ पे सब्सक्राइब टू सीक्वेंस कर देंगे और एक सीक्वेंस आप रेडी करके रखेंगे. यहाँ पे जो सीक्वेंस मतलब एप्सा आपका रेडीमेड फ्लो रहता है. यहाँ पे मतलब ये मैसेज जाएगा उसके बाद 2 दिन बाद और क्या मैसेज जाएगा उसके बाद और 2 दिन बाद और क्या मैसेज आएगा वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे जैसे ये मैसेज गया उसके साथ साथ सीक्वेंस में सब्सक्राइब्ड हो गया है. और सीक्वेंस का एक्सेस आप यहाँ से कर सकते हैं. ऑटोमेशन में जाके यहाँ से सीक्वेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे न्यू सीक्वेंस कर सकते हैं. तो ये वाला अगर देखेंगे देखिए हम लोग ये वाला ऐसे क्रिएट किया हुआ है. देखिए इमीडिएटली ये वाला जाएगा जैसे सब्सक्राइब होते सीक्वेंस में, तो ये वाला जाता है. उसके बाद आफ्टर 2 डेज ये वाला ये यहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं, सेम मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे जाके एक मैसेज बॉक्स ऐड करेंगे हम लोग. ये देखिए इसको डिलीट करेंगे, डिलीट नहीं होगा शायद. यहाँ पे जाके एक नया SMS जाएगा सेंड मैसेज. और यहाँ पे हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो इमीडिएटली जाएगा. उसके बाद आप सेकंड डेट में भी और क्रिएट कर सकते हैं, 2 दिन बाद क्या जाएगा यहाँ पे दे सकते हैं. उसके बाद और एक और यहाँ पे 3 दिन बाद क्या जाएगा ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं और लास्ट में 7 डेज बाद आप पूछ सकते हैं रिव्यूज के लिए भी. ये जनरली ये तो ग्रोथ टूल में जाते हैं. तो ये ग्रोथ टूल हम लोगों ने वो वाला यहाँ पे किया हूँ, इसमें कुछ शायद कमी है इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है, रेड शो हो रहा है. पब्लिश करना होगा
पब्लिश कर दिया, इसके बाद जाके ये वाला आपका ग्रोथ टूल में जाके आपको यहाँ पे QR कोड ये वाला आपको डाउनलोड करना होगा। ये डाउनलोड कोड इमेज कर देंगे और यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे उठा के। ये वाला भी हम लोग यूज करेंगे। और अभी जो कोई कस्टमर इसको स्कैन करेगा वो मैसेज उनके पास चला जाएगा। आप भी अभी इसको स्कैन कर सकते हैं, कैसे मैसेज जाता है आपके पास वो आप देख सकते हैं। तो ऐसे इजीली आप भी अपने लिए प्रोडक्ट इंसर्ट क्रिएट कर सकते हैं कैनवा में बहुत इजीली। और इसके बाद आपको ये वाला डाउनलोड करना होगा। यहाँ से डाउनलोड जब करेंगे सेकेंड पेज करेंगे, उसके बाद ये क्वालिटी आप सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे PNG है लेकिन यहाँ पे आपको PDF प्रिंट क्वालिटी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपको ये पेज में प्रिंट करके कट करके वो वाला यूज करना होगा। तो Page 2 इसको डाउनलोड कर देंगे आप सिंपली, और उसके बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो गया, उसको आप प्रिंट शॉप में जाके प्रिंट करा सकते हैं, जहाँ पे पेपर का प्रिंटिंग होता है, ये सब पेपर का या फिर लोगो बनता है या फिर स्टिकर बनता है, पैम्पलेट का आपका प्रिंटिंग होता है, वहाँ पे ये प्रिंट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग जाके अभी अपने लिए प्रोडक्ट इंसर्ट बनाएंगे। और अगर आप प्रोडक्ट इंसर्ट नहीं बना रहे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जाके बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपका जो ब्रांड बिल्डिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये चीज़। तो और आप बाद में रिव्यूज़ लाने के लिए भी बहुत हेल्प करेगा, वो थोड़ा एडवांस मेथड्स है। तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा पूरा जाके ये मेथड्स यूज़ करके आप खुद के लिए प्रोडक्ट इंसर्ट्स बनाइए और अपना प्रोडक्ट्स में इंसर्ट कीजिए।